नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार न्यूज में। दोस्तों, आईपीएल 2020 की पहली गेंद पर ही रोहित शर्मा ने बना डाला एक नया रिकॉर्ड, रच दिया इतिहास। जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर में पूरी डिटेल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, आईपीएल के हर मैच में रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते रहते हैं। इस टूर्नामेंट के 13वें सीजन की पहली गेंद पर कुछ ऐसा देखने को मिला। मैच की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया जो आईपीएल के पिछले 12 सीजन में देखने को नहीं मिला था। दरअसल रोहित शर्मा ने आईपीएल 2020 की पहली गेंद पर जबरदस्त चौका जड़कर शुरुआत करी। रोहित शर्मा ने दीपक चहर की गेंद पर गजब का कवर ड्राइव लगाया। बता दें, आईपीएल में ऐसा पहली बार हुआ है जब टूर्नामेंट की पहली गेंद पर चौका लगा हो। ये कारनामा करने वाले रोहित शर्मा पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, हालांकि मुंबई हार गई है चेन्नई से 5 विकेट से, जिसके अंदर रोहित शर्मा ने सिर्फ 12 रन बनाए थे। तो दोस्तों, ये जानकारी जानकर आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि रोहित शर्मा ऐसे पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने आईपीएल में ये रिकॉर्ड बनाया। हमें जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।